अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा टॉपिक चिलेट्स का टॉपिक है। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में 6th चैप्टर में जो टॉपिक जारी है हमारे, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चिलेट्स। चिलेट्स की हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि चिलेट्स हम कहेंगे किसको, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि व्हेन ऑल द डोनर एटम्स ऑफ अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होता क्या है। पॉलीडेंटेट लिगेंड के हमारे पास लिगेंड होते हैं, लिगेंड में मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, इस तरह के क्या होते हैं, आगे डेंटेट होते हैं, मोनो डेंटेट, डाई डेंटेट, ट्राई डेंटेट, टेट्रा डेंटेट, इस तरह से, ठीक है, वो लिगेंड होते हैं। अगर जो मोनो है वो एक लोन पेयर देगा, जो डाई है वो दो लोन पेयर अपने लिगेंड, क्या ऐसा लिगेंड होगा जिसमें दो लोन पेयर दे सकता हो मैं सेंट्रल मेटल आटम को, उसका हम क्या कहेंगे, डाई डेंटेट लिगेंड, ठीक है, या बाई डेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, ठीक है, ट्राई डेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं अगर किसी के पास तीन लोन पेयर मौजूद हो लिगेंड के पास। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड अब कोई भी हो, कितने भी हो सकते हैं उसके पास, ठीक है। गेट कोऑर्डिनेटेड विद द सेम मेटल आयन, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ऑक्सलेटो आयन लिया है, ऑक्सलेट लिया है, तो उसमें क्या है, दो पॉलीडेंटेट बाईडेंटेट है जिसमें दो लोन पेयर मौजूद हैं जो दे सकता है किसको, प्लाटीनियम को, ठीक है, तो उसने प्लाटीनियम आयन को दिए हैं दो लोन पेयर। गेट कोऑर्डिनेटेड विद द सेम मेटल आयन, उस मेटल आयन के साथ, सेम मेटल आयन के साथ क्या हो गए हैं, वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, ठीक है। अ कम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म होगा विच कंटेन्स वन आर मोर रिंग, जिसमें क्या होगी, वन आर मोर रिंग मौजूद होगी। क्या उसने शर्त क्या लगा दी कि हमारे पास जो पॉलीडेंटेट लिगेंड हो उसमें क्या हो, वो सेम एटम के साथ, सेम आयन के साथ कंबाइन हो और कम्प्लेक्स बनाए। कम्प्लेक्स बनाने के बाद उसमें क्या हो, जो स्ट्रक्चर बने उसमें एक रिंग या एक से ज़्यादा रिंग मौजूद होने चाहिए। वन आर मोर रिंग इज इन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, चिलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, चिलेट्स कहेंगे कि हमारे पास, अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहें कि हमारे पास यहाँ पे रिंग कैसे बने हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि रिंग कैसे बन रहे हैं, रिंग कुछ इस तरह से बन रहे हैं, एक दो तीन चार और ये पाँच, ठीक है, ये रिंग है हमारे पास कुछ इस तरह से, ये रिंग बना है, कितने मेंबर हैं, पाँच मेंबर हैं जिसका रिंग बना है, इधर भी कुछ ऐसे ही है, एक दो तीन चार और ये पाँच, ठीक है। आप नंबरिंग के मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए की है, आप जहाँ से मर्जी देख लें कि ये पाँच पाँच ग्रुप एटम का एक ग्रुप बन गया है, एक सर्कल बन गया है, क्या बन गया है, एक रिंग बन गया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, डाई ऑक्सलेटो प्लाटिनेट आयन। ये क्या है, हमारे पास एक चिलेट की एग्जांपल है, किसकी एग्जांपल है, चिलेट की एग्जांपल है, डाई ऑक्सलेटो प्लाटिनेट टू आयन। और जो चिलेट्स होते हैं वो सिंपल कम्प्लेक्स से क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने दो चीज़ें देखी, एक तो उसने शर्त लगाई कि जो डोनर एटम है उसके पॉलीडेंटेट लिगेंड के, ठीक है, वो अटैच हो सेम एटम के साथ, ठीक है, सेम आयन के साथ, सेम मेटल आयन के साथ, ठीक है, तो वो अटैच हो, हमने देखे यहाँ पे सेम एटम के साथ, सेम आयन के साथ क्या होगा, अटैच हो गए। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि वो क्या बनाए, रिंग स्ट्रक्चर बनाए, वन आर मोर रिंग बनाए, क्या बनाए, वन आर मोर रिंग बनाए, उसने एक रिंग या दो रिंग, एक से ज़्यादा रिंग, एक या एक से ज़्यादा रिंग बनाए, तो क्या होगा, वो चिलेट होगा। तो ये एक चिलेट की एग्जाम्पल है, डाई ऑक्सलेटो प्लैटिनेट आयन। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।